चलिए आइए प्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। भगवान यही यही वानराज सुग्रीव है जो कि अपने बड़े भाई पाली के अत्याचारों से अत्यंत दुखी है। प्रभु हनुमान जी मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज ये दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा के सुपुत्र हैं। प्रभु का नाम श्री राम एवं ये इनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। आज मेरे अहो भाग्य है प्रभु प्रणाम कल्याण हो छोटे प्रभु प्रणाम। अहो भाग्य है जो आपके दर्शन हुए प्रभु। कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता केकई भी उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर माताजी को दो वर धरोहर के रूप में दिए। उन वरों का माताजी ने निवारण कुछ इस प्रकार किया कि पहले वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास और दूसरे वर्ष से मेरे छोटे भाई भरत को अयोध्या था राज। इस समाचार को जब लक्ष्मण और सीता ने सुना तो उन दोनों ने भी मेरे साथ चलने की जिद ठान ली। विवशता पूर्ण होकर मुझे इन दोनों को भी अपने साथ लाना पड़ा। 13 वर्ष तो वनों में घूम घूम कर बीत ही गए किंतु कुछ दिन पूर्व मेरी अर्धांगिनी सीता को कोई दुष्ट हर ले गया। अब हम उसी की खोज कर रहे हैं। अब कुछ दिन पूर्व कोई स्त्री आकाश मार्ग से बचाओ राम बचाओ लक्ष्मण करती जा रही थी और हमें देखकर उसने अपने जेवर हमारी ओर फेंके। ये प्रभु यह जेवर आपकी अर्धांगिनी माता सीता के तो नहीं? अवश्य यह तो मेरी प्राण प्यारी सीता के ही है। लक्ष्मण तुम भी इन्हें पहचानो भैया। भ्राता जी मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं को जानता हूँ, झुमकों की मुझे पहचान नहीं। भ्राता जी यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मुझे दीजिए, मैं उसे अवश्य ही पहचान लूंगा, क्योंकि मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा है। मैं जब भी चौथा काल उठता था तो उन्हें प्रणाम करता था। अच्छा तो ये लो भैया, इन्हें पहचानो।
लाश, ये तो मेरी माता के ही जेवर है। लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया, मैंने आज तक ऐसा भाई कदापि नहीं देखा। एक मेरा भाई है जिसने अपने ही छोटे भाई की स्त्री को अपनाकर मुझे ही घर से निकाल दिया। भगवान बाली और मैं दोनों सगे भाई हैं। कुछ दिन पूर्व मुझसे एक अपराध हो गया। अपराध यह था कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई वनों की ओर भागे। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक गुफा के बाहर रहकर भाई बाली के आने का इंतजार किया। जब कई दिनों पूर्व भी वह बाहर नहीं आया और उनके जीवित रहने की आशा समाप्त होने लगी, तो मैंने गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और किष्किंधा चला आया। किष्किंधा की प्रजा ने मुझे वहां का राजा बना दिया और कुछ दिनों के बाद मेरा भाई बाली वापस आया तो उसने राजगद्दी पर मुझे बैठा पाकर अधिक क्रोधित हो गया। बस यही मेरा अपराध था। सुग्रीव जी, आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। भगवान, मैं भी शपथ खाकर कहता हूं कि मैं सीता माता का अवश्य पता लगाऊंगा। हे सखा, मैं भी कहता हूं कि मैं बाली को मारकर ही किष्किंधा का राजा बनाऊंगा। भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
सुग्रीव जी, आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जब वह हार आएगा तो मैं अपने बाणों से उसको यमपुरी पहुंचा दूंगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूँ, तो उसकी ताकत का मुझे पता है। कृपया करके यदि आप भी मुझे अपनी शक्ति का परिचय दे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा। तो मुझे बाली के बल के बारे में बताओ। महाराज, वह एक ही बार से तीन तेरों को छेद देता है। तो देखिए, जितने भी पे मेरे बाण के आगे आएंगे सब में छेद होगा। जय श्री राम। भगवान, आप धन्य हैं, आप मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। अच्छा भगवान, मैं चाहता हूं तलवार चलाने में तनिक भी देर ना करना, नहीं तो वह दुष्ट मेरे प्राण हर लेगा। हे सखा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। महाराज प्रणाम, कल्याण हो। कृपया मंच पर आने का कष्ट करें, और साथ में हमारे समिति के अध्यक्ष श्री बलदेव भंडारी जी, हेलो, पूर्व पार्षद श्रीमती मीना भंडारी जी, श्री जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। श्री सुरेंद्र सिंह राठौर जी स्वागत करेंगे श्री हरीश कालाकोटी जी का। श्री जनार्दन भरद्वाज जी स्वागत करेंगे हरीश कालाकोटी जी का। एक बार मंत्री जी सुग्रीव उस दिन पे नजर नहीं आया। महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए। मालूम होता है कि तुमने उसे रिश्वत खा ली है। नहीं नहीं महाराज, इसलिए कि वह आपका भाई है। अरे ओ दुष्ट वाली, और मेरा घर खाली। बस बस, कुछ समय चलना होगा, पूरी बंद कर देंगे।
दानी दाताओं में एक बार जोरदार तालियां, 51 से 1 रुपए, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन, 51 से 1 रुपए श्री हरीश कराकोटी जी जो की पार्षद है 79 वार्ड के और अभी आज के अतिथि के रूप में थे, रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं, एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री हरीश कराकोटी जी का। 100 रुपए कांता प्रसाद बलूनी जी, जो हार्दिक अभिनंदन श्री कांता प्रसाद बलूनी जी का। 101 रुपए, 303 रुपए, 101, 101, 103 रुपए श्री हरीश चंद्र जोशी जी जो कि 156 है, नया खंडभर से हमारे बीच में है। जय जय श्री राम। प्रभु प्रभु नहीं रक्षा दीजिए, प्रभु प्रभु नहीं रक्षा दीजिए, प्रभु उस दुष्ट एक ही मुस्तिका से मेरे अंग अंग तोड़ दिए, प्रभु आप देखते रहे। ए सखा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, यह दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दूं, तुम दोनों एक ही समान हो, उससे भी धोखा खाता था। अच्छा अच्छा, अब यह हार पहन जाओ जिससे मुझे पहचान रहे, यह तुम पे कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, मैंने कई बार धनुआ पर बाण चढ़ाया, किंतु तुम दोनों एक ही समान हो, इसीलिए मैं उससे धोखा खा जाता। अब मैंने तुम्हें यह माला पहना दी है, यह तुम्हारे पे कवच का काम करेगी। अब तुम पुनः जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो, पहाड़ चलाने में तनिक भी देर ना करना, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ भी बचे हैं और उस दुष्ट की एक ही मुष्टिका से मैं स्वर्गवासी हो जाऊंगा। हे सखा, तुम चिंता ना करो, इस बार मेरा पहला ही बाण उस दुष्ट बाली के बाण हर लेगा। अब तुम निसंदेह जाकर उसे युद्ध के लिए उतारो। जो आख्या प्रभु, ओ श्रीमती रामचंद्र की कार्यकारी मां, जब युद्ध का तत्का तब कर चार बचाई। मालूम होता है कि तुझे
बाहर ही आएगा या अंदर बैठकर बातें ही बनाएगा। रुक जा, अभी मैं सुग्रीव ने भी पिया। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राणनाथ सुग्रीव को उसका हिस्सा दे दीजिए और दीजिए। हाँ हाँ, मैं समझ गया। अपने स्वामी, मैं आपके चरणों की सौगंध खाते कहती हूँ। मेरे दिल में किसी प्रकार का कपट नहीं। ओ बोले, बाहर आता है नहीं तो खाली धर्म है।
वही मैं हूँ जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधु और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है। वह और उसे मारने में कोई पाप नहीं, क्योंकि यह सब अपनी पुत्री के समान होते हैं। किंतु फिर भी तुम्हें यदि जीवन की इच्छा है तो मैं तुम्हें प्राणदान दे। हे नाथ, जिस जति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े प्राप्त ही कर सके, मैं उस कथी को कैसे छोड़ दूं? नहीं नाथ, नहीं, मुझे अब मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को आप अपने चरणों से कदापि अलग ना करना। अपनी प्यारी तारा को धैर्य बनाना। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तो कुछ लोग के सुख के लिए भाई का वध किया। माता जी, आप राजपाट अंगद को ही सौंप जाइए, मुझे राज लेके क्या करना। भैया, इस प्रकार ना बोलो। यदि इस प्रकार तुम कायर बन के जाओगे तो अपना प्राण कैसे बुरा करोगे? भैया अपनी जान पर खेल जाना, परंतु हमारे कुल पर दाग ना लगने देना। यद्यपि यह वियोग असहनीय है, परंतु
उचित यही है कि तुम धैर्य धारण करो, रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर और यह शरीर नश्वर, बिना आत्मा के शरीर तो एक बुझे हुए दीपक के समान है। इस हेतु तुम धैर्य धारण करो। सुग्रीव जी, आप बाली की अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बनाकर राज्य अभिषेक करके अति शीघ्र ही वापस आना। जो आगे अपराजा जी, आप धन्य है प्रभु, जैसी आज आपकी आज्ञा भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय च मनोहरिः। बोलिए श्री सुग्रीव जी की जय। महाराजा सुग्रीव जी की जय। अंदर जी विराजमान हो गए बादल, सतपुर बादल युवराज अंगद की। ये आखिरी सीन है रामलीला का, सुग्रीव का राजाभिषेक, अंगद का भी युवराज और लास्ट सीन है। अच्छा भगवान प्रणाम, कल्याण हो। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा भगवान प्रणाम स्वीकार कीजिए। लहलाती घटाएं मानो श्याम केशव को कुंठित करती हो, चमकती चमकती बिजली मानो श्याम घटाओं की मांग है, और वायु जैसी भरा झूमता रजा हो, रिमझिम बरसता पानी हृदय और भी बढ़ाता है। अब आंखें थक गई है, किंतु अभी तक सीता का कोई भी पता नहीं चला। हाँ भ्राता जी, अब वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर ही कुछ ही पल बाकी हैं। सीता के बिना मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा। भ्राता जी, इस प्रकार निराश होना मानो मुसीबत को और बढ़ाना है। भैया, दुख तो इस बात का है कि सुग्रीव जी राज्य पाकर अपने वचनों को भूल गए। वर्षा के बाद अब शरद ऋतु आ गई है, अभी तक कोई खबर नहीं आई। भ्राता जी, मुझे इस द्वार का पहले ही पता था, यदि वह बलवान होता तो पाली के भय से इधर उधर क्यों भागता। आज्ञा हो तो उसे उसकी करनी का फल चखा दूं। मित्र है, मित्र से यदि कोई अपराध हो भी जाए तो नर्मदा से समझाना चाहिए। तुम केवल
तुम केवल वहां जाकर उसकी प्रतिज्ञा उसे याद दिलाओ। किंतु भैया क्रोध बिल्कुल मत करना। जो आज्ञा भ्राता जी। जो वचन प्रभु श्री रामचंद्र जी को था, क्या यह आपको याद है? हाँ हनुमान जी, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम करने की आज्ञा दी थी। तो क्या महाराज आपके विचार से वर्षा ऋतु की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है? क्या यह 2-4 साल होती है क्या? क्या आपने कोई प्रबंध किया? महाराज मेरे भेजे हुए दूतों को बहुत दिन हो चुके हैं, किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। अच्छा हनुमान जी, अब शीघ्र ही सेना तैयार करो। जाने श्री रामचंद्र जी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। भगवान क्षमा, आपकी लीला कौन जान सकता है। मैं तो एक तुच्छ, फिर आपकी लीला को कैसे जान सकता हूं। क्षमा कीजिए नाथ। अच्छा सुग्रीव जी, आप अधिक देर ना कीजिए, संबंध में बहुत ही व्याकुल है। आप चलकर उनसे भेंट कर लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हनुमान जी, सारी वानर सेना को तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। सारी सेना तैयार है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कल्याण हो।
भगवान प्रणाम, कल्याण हो। भगवान दास को क्षमा करें, हे कृपा के सागर, मैं भी उसी मोहिनी माया में डूब गया था। भगवान अब आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी चिंता ना कीजिए, आप निर्भीक होकर सीता को खोजने की प्रयत्न कीजिए। हनुमान जी सभी दिशाओं में किन्हीं अन्य बालकों को भेज दीजिए, किंतु आप अपने साथ चौबंद और अंगद को लेकर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में तुम बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। भगवान सेवक को कोई आपत्ति नहीं है। किंतु माता जी ने कभी सेवक को देखा नहीं है प्रभु। हे प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पहली बार देखकर वे मुझे पहचान नहीं सकेंगे प्रभु। इसलिए हे भगवान, मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसको देख माता जी मुझे पहचान सके। हनुमान जी आपने ठीक कहा, यह मेरी मुद्रिका तुम सीता को दे देना, वह तुम पर अवश्य ही विश्वास कर लेगी। यदि तुम्हें सीता का पता चल जाए तो उनसे कहना लेता हुआ आऊंगा, नहीं तो भगवान कभी भी आपको अपना मुख तक नहीं दिखाऊंगा। जय श्री राम। अच्छा भगवान राम कल्याण हो। आइए जामन जी, आइए अंगद जी, भगवान प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।